नमस्कार। आज हम जिस विषय का अध्ययन करेंगे वह शोध की नैतिकता, और नैतिकता के विषय में कुछ बिंदुओं का हम अध्ययन करेंगे। इसे बहुत ही ब्रॉड ये कॉन्सेप्ट है, क्योंकि पूरा रिसर्च इसे पे डिपेंड होता है कि हमने रिसर्च अच्छा किया या नहीं, हम उसके रिजल्ट को अपना सकते हैं या नहीं, वह मान्य है या नहीं, वह नियमों पर आधारित है या नहीं, ये सारी चीज़ें शोध की नैतिकता ही निर्धारित करती है। नैतिकता जैसे कि किसी भी शिक्षा, कोई भी शिक्षा हो, उसका बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु होता है। तो अगर कोई चीज़ हम खोजते हैं तो उसके पीछे क्या हो सकती है, अपनी नैतिकता या नैतिक मूल्य क्या होंगे, या इसको सौंदर्य बोध भी कहते हैं। जो भी आप शोध करते हैं उसमें जो सौंदर्य बोध होता है या नैतिक मूल्य होते हैं, वो ये बताते हैं कि जो हमारे मानक है, जो नियम कानून बनाए गए हैं, उसके अनुरूप हम कार्य कर रहे हैं कि नहीं, हम इस जो आप परिणाम निकाल रहे हैं उसको किसी पर लागू कर सकते हैं या नहीं, क्या इसकी अच्छाइयाँ हैं, किस प्रकार से इसको और संवर्धित कर सकते हैं, किस प्रकार से हम इसको वास्तविक समस्या समाधान के रूप में ले सकते हैं, ये सारी चीज़ें शोध की नैतिकता के अंतर्गत आती है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें, अगर हम देखें कि नैतिकता की बात की जाए तो किसी को ईमानदारी पूर्वक कार्य करता है, इसको मेरा नैतिकता कहते हैं, किसी की मदद करना ये भी आपकी नैतिकता होती है, अपने कर्तव्यों का पालन करना ये भी नैतिकता होती है। लेकिन जब शोध की नैतिकता की बात करते हैं तो शोध के अंतर्गत प्रत्येक बिंदुओं के लिए आने वाले वो बिंदु नैतिकता के अंतर्गत आते हैं जो शोध को परिपूर्ण बनाते हैं, अर्थात बिना नैतिकता के शोध आपका उतना किसी अर्थ का नहीं होता। क्योंकि अगर वो शोध आप किसी पे लागू नहीं कर सकते, उसके रिजल्ट को किसी समस्यात्मक परिस्थिति में नहीं आप यूज़ कर सकते, तो शोध का क्या अर्थ, अर्थात शोध की नैतिकता बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु होता है शोध का। अब देखिए कौन कौन से बिंदु, बहुत शॉर्ट में देखेंगे हम, तो जो कोई भी शोध होता है वह बहुत ही आपका इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी समस्या समाधान के लिए। तो शोध की नैतिकता में जो उसका रिजल्ट होता है या जो शोध हम जैसे करते हैं, तो उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु आपका होता है विश्वसनीयता एवं वैधता। देखिए हर जगह मैं यूज़ करती हूँ, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप किसी लड़की पे अध्ययन करते हैं, किसी ग्रुप ऑफ गर्ल्स पे, मतलब बहुत सारी लड़कियां आप अध्ययन करते हैं और बोलते हैं कि ये पुरुषों के अपेक्षा ज़्यादा संवेदनशील है। लेकिन सेम अगर कोई और ग्रुप आप न्यायाधीश के रूप में लेते हैं और आप फाइंड करते हैं कि नहीं, ये पुरुषों से कम संवेदनशील है, तो आपका वह जो टेस्ट है वो विश्वसनीय नहीं है। अर्थात कोई अगर एक जैसा समूह हो या एक ही परिस्थिति हो वो, या कोई टेस्ट हो, तो प्रत्येक समूह पे वो एक ही जैसा परिणाम दे, ऐसा आपका शोध होना चाहिए, तो इसे कहते हैं विश्वसनीयता। दूसरा पॉइंट अगर हम देखें तो वो है वैधता। वैधता जैसे कि आपने जो शोध किया है उसमें जो उपकरण यूज़ किए हैं, जो आपने टेक्निक यूज़ की है, जिस चीज़ को फाइंड करने के लिए आपने बनाई हो वो वही नापे, ये अर्थात उपकरण से रिलेटेड भी हो सकता है विश्वसनीयता वैधता शोध के, और शोध के मेथड से भी हो सकता है, शोध के चरणों से भी हो सकता है। तो ये आपका नैतिकता का बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु होता है। दूसरा आपका बिंदु जो होता है वो होता है नियम एवं विनिमय, रूल एंड रेगुलेशन। नियम जो होते हैं उसके अनुरूप आपका शोध होना चाहिए। पता चले आप लीक से हट के शोध तो कर रहे हैं, ये तो कोई गलत बात नहीं है, आप एकदम नए तरीके से कर रहे हैं, लेकिन वो अपोजिट नहीं होना चाहिए। जैसे आपका नियम है कोई भी चीज़ पृथ्वी से ऊपर फेंकी जाती है तो पृथ्वी के नीचे गिरती है, आप ऐसा कुछ दिखा दे रहे हैं कि नहीं ऊपर वो अट्रैक्ट होती है, मतलब आसमान के साइड, तो ऐसा तो आपका वो सीधे सीधे ये बता देगा कि नहीं नियम के विरुद्ध है। तो कभी कभी ऐसी भी चीज़ें आती हैं नियम के विरुद्ध, वो वास्तव में सही होती है, लेकिन यहाँ नियम और विनियमन से या रूल और रेगुलेशन से ये तात्पर्य है कि जो आपने स्टेप्स लिए हैं, जो आपने उपकरण लिए हैं, वो उन्हीं नियमों और रेगुलेशंस को फॉलो करना चाहिए जिस प्रॉपर्टी पे आपने शोध किया है। इसके अलावा अगर देखें हम तो बहुत ही महत्वपूर्ण आपका बिंदु हो जाता है शोध की नैतिकता में गोपनीयता एवं आत्मविश्वास। पहले तो आत्मविश्वास की बात करेंगे, तो आत्मविश्वास में तो कोई भी कार्य आप करें तो बहुत ही कॉन्फिडेंट होना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए, कम कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए। पता चला आप काम कर रहे हैं लेकिन आपको लग रहा है कि नहीं होगा कि नहीं होगा, नहीं तो काफ़ी चीज़ें उसमें बिगड़ जाती हैं। अगर कम कॉन्फिडेंट भी नहीं होना, ओवर कॉन्फिडेंस में क्या कि आपको गलत चीज़ें नहीं दिखती, आपने हर चीज़ें सही लगती है, आप अगली चीज़ों को नहीं मानते। जैसे आप रिजल्ट फाइंड करें, आपके दिमाग में बैठा हुआ है कि नहीं लड़कियाँ ज़्यादा, मतलब लड़कियाँ मैथ नहीं लगा सकती,
ठीक है, जेंडर बायस मैं इसलिए बोल रही हूँ कि इससे आपके टॉपिक भी तैयार हो जाएगा जेंडर का। तो यहाँ पे अगर आपने एक समस्या ले ली कि नहीं आप पुरुष और महिला में कंपेयर करें, तो काफ़ी चीज़ें ऐसा होता है, महिलाएँ ये सोचती हैं हम ज़्यादा बुद्धिमान है या पुरुष सोचते हैं हम ज़्यादा। वास्तव में क्या होता है कि कोई आईक्यू में अंतर होता नहीं है, वो तो अपनी अपनी कैटेगरी से। तो अगर आत्मविश्वास देखें आप, तो आत्मविश्वास में ज़्यादा होना चाहिए ना कम, एक बैलेंस होना चाहिए। दूसरी जगह गोपनीयता, जैसे आपने किसी से कोई रिजल्ट जैसे लिया कि कोई क्षेत्र के बारे में, किसी कास्ट के बारे में, किसी परिस्थिति के बारे में, और वो नहीं बताना चाहते अपने घर के बारे में, अपने माता पिता के बारे में, या अपने दोस्तों के बारे में, अपनी गलतियों के बारे में, तो क्या होता है ऐसे में कि वो सही रिजल्ट नहीं देता। तो आप गोपनीयता अगर रखते हैं कि नहीं आपका नाम नहीं बताया जाएगा, या इस प्रकार से नहीं कि इशू नहीं बनाया जाएगा कि अगर आप कम बुद्धि वाले हैं, आईक्यू वाले हैं, तो हम इशू ये बता देंगे सबको कि आपकी आईक्यू कम है, तो इस प्रकार की गोपनीयता शोध में होनी चाहिए। ये आपके न्यायदर्श से बहुत संबंधित होता है, जो आपने सैंपल लिया हुआ है जिस पे आप अध्ययन कर रहे हो उसकी गोपनीयता का आपको ध्यान रखना, ये भी शोध की नैतिकता है। फिर होता है बात आती है मूल्य की, तो मूल्य क्या है, इसमें कई मूल्य आएंगे। जैसे मूल्य हमने इजीली ले लिया, मूल्य होना चाहिए, मूल्य क्या, मानवीय मूल्य हो, सामाजिक मूल्य हो, आपके आर्थिक मूल्य हो, मतलब कई प्रकार के मूल्य, जितने प्रकार के मूल्य आपने पढ़े होंगे वैल्यूज को, उतने प्रकार के मूल्यों को यहाँ फॉलो करना चाहिए जिस परिस्थिति में आपने समस्या को चूज किया है। बात करें अगर अन्य आपके नियम कानूनों की या नैतिकता के बिंदुओं की, तो स्वशासन मतलब जो कर रहा है उसका भी कंट्रोलिंग होना चाहिए, उसमें उपयोगितावादी मतलब उस यूजफुल हो, और न्यायपूर्ण मतलब क्या है, इसमें जस्टिस होना चाहिए, ये नहीं कि आप किसी प्रकार का पक्षपात करें, इसमें न्याय अवश्य होना चाहिए। अगली बात देखें हम अगर, तो यहाँ पे ये भी बात आती है कि अधिकार, तो अधिकार से यहाँ तात्पर्य राइट्स है, जिसका जो अधिकार है उसको आप नहीं छीन सकते। यहाँ नैतिकता के अंतर्गत ऐसे रिजल्ट आपको फाइंड करने कि किसी के अधिकारों को उनका हनन न करे, अर्थात उनकी जो उनको जो राइट्स मिले हुए हैं उनको फॉलो करना चाहिए। इसके अलावा नैतिकता की बात करें तो सर्वहिता है, मतलब सर्वहिता मतलब सबका हित हो, ऐसा नहीं कि किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप का हो, या किसी एक परिवार का हो, या किसी एक राज्य का, किसी एक देश का हो, यहाँ सबका हित होना चाहिए। ऐसी चीज़ें नहीं आपको करनी चाहिए शोध के अंतर्गत जिसमें किसी का नुकसान हो, या ऐसा नुकसान हो कि जो आगे चल के भविष्य में मानव के लिए खतरा बन जाए। जैसे आपने देखा है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो चुकी हैं कि मानव के अस्तित्व पे वो खतरा बन सकती हैं। अगला अगर आप देखें शोध की नैतिकता के अंतर्गत, तो भ्रांति मुक्त हो, मतलब कोई भ्रांति ना हो, तथ्यपूर्ण होना चाहिए। मतलब बहुत सारी प्रकार की भ्रांतियाँ होती हैं, उस पर ऐसे रिजल्ट भी मिल जाते हैं वो भ्रांति बढ़ाते, तो ऐसे नहीं होना चाहिए आपका शोध। आपका शोध तथ्यपूर्ण होना चाहिए, एकदम मतलब साइंटिफिक अगर तरीके से आप शोध करते हैं तो अक्सर इसमें जो फाइंड होता है रिजल्ट वो बहुत ही तथ्यपरक होता है। अगला अगर हम देखें तो इसमें चुनाव, तो चुनाव चीज़ों का चुनाव सिलेक्शन जो आपका होता है वो नैतिकता के अंतर्गत आता है। किस प्रकार से चुनाव किया, आपने बायस होके किया, पक्षपातपूर्ण किया, या आपने किसी विशेष परिस्थिति से आहत होकर किया, ऐसी आपकी परिस्थिति आ गई, आपकी दिक्कतें आ गई जो उसको प्रभावित करें, तो ये भी होता है कि आपको चुनाव करते वक्त बहुत ही ध्यान देना चाहिए कि शोध की नैतिकता का हनन ना हो। नेक्स्ट देखेंगे तो दक्षता आपकी होनी चाहिए उसमें, तो आपकी नैतिकता बनी रहेगी। वास्तव में अगर आपके पास कम मैच्योरिटी है, आपको उतना नहीं पता है, तो अक्सर गलतियां हो जाती हैं, तो रिजल्ट बहुत इफेक्टिव होता है। इसलिए हमें ऐसे प्रकार के रूल्स को फॉलो करना चाहिए, ऐसे स्टेप्स यूज़ करने चाहिए जिसमें हम चीज़ों को इंटीग्रेट करें, हम प्रतिबद्ध रहें कि नहीं हम करेंगे। जैसे कि बार बार बिल्ली को पिंजरे में बंद किया गया थार्नडाइक के द्वारा, या आप देखेंगे कि बल्ब के आविष्कार में पता नहीं कितनी बार उन्होंने बल्ब जलाने का प्रयास किया, तब जाके बल्ब जला, तो प्रतिबद्धता होनी चाहिए। दक्षता इसलिए भी होनी चाहिए क्योंकि जो करने वाला है वो एक समस्या का समाधान कर रहा है, तो अगर वो दक्ष नहीं होता तो अक्सर वो इमैच्योरिटी में कई गलत डिसीजन भी ले लेता है, जल्दीबाजी में उसको नहीं पता होता, उसको एक्सपीरियंस नहीं होता, तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। इसके अलावा अगर देखें तो उत्तरदायित्व ईमानदारी, तो उत्तरदायित्व आपका होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो रिसर्च कर रहा है उसमें कई प्रकार के उत्तरदायित्व आते हैं, आपके समाज का भी उत्तरदायित्व आता है कि उसमें सहयोग करें, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो ये एथिकल पॉइंट से भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा ईमानदारी, जो शोधकर्ता है उसकी भी जो न्यायदर्श है वो सही निष्पक्ष अपना
उत्तर दें, जैसे आप प्रश्नावली में उसमें प्रश्न पूछ रहे हैं कि आप क्या करेंगे अगर एक इंसान है उसका एक्सीडेंट हुआ, आप क्या करेंगे, तो उसमें तो लिखेगा ही कि हम उसको हॉस्पिटल पहुँचाएंगे, पर वास्तव में क्या होता है, वो पहुँचाता नहीं, हो सकता है पुलिस को फ़ोन करते, हो सकता है कुछ ना करे चला जाए, तो वास्तव में जो करता है वो लिखे, ऐसे इस प्रकार की चीज़ें उसमें होनी चाहिए। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें ऐसी बिंदु आपके शोध की नैतिकता में इम्पॉर्टेंट होते हैं जो शोध को और ज़्यादा परिमार्जित करते हैं और एकदम वैज्ञानिक रूप स्टेप से युक्त बनाते हैं, जैसे कि विश्वसनीयता वैधता आपकी हो गई, नियम कानूनों के अंतर्गत हो गया करना हो गया, और बहुत सारी चीज़ें आपका यहाँ पे शोध की नैतिकता के अंतर्गत, तो बहुत ही ब्रॉड है, इसको बहुत आसानी में समझना चाहेंगे। तो ऐसी चीज़ें जो जिससे हम शोध के रिजल्ट को किसी पे भी लागू कर सकते हैं, ऐसी चीज़ें जो शोध को नैतिक बनाएं, ऐसी चीज़ें जिसमें शोध के जो परमार्जीकरण है वो हो, ऐसी चीज़ें जो मॉडिफाई बनाए उसको और ज़्यादा विश्वसनीय बना दे, वैध बना दे, तो ऐसी चीज़ें शोध की नैतिकता के अंतर्गत आती हैं।